वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज मैंने बहुत सारा जो विंटर का कपड़ा है मोटा मोटा, वो सारा कपड़ा आज मैं ट्रंक में रखवाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया है। और मतलब हर जगह घर में कपड़ा 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 भी दिख रहा है। उतना ज़्यादा अब ठंडा है नहीं, गर्मी लग रहा है, तो अभी मतलब मैं 90% कपड़ा हटाने वाली हूँ। बाकी का कपड़ा, थोड़ा बहुत हल्का कपड़ा रखने वाली हूँ। और रू लेकर गए हैं रूडी को बाल कटवाने के लिए। उसका बाल वैसे मैं लेंथ बढ़ाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसका, जब बाल उसका बड़ा होता है तो कर्ली हो जाता है, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं कटवाने के लिए, तो रू बोले थी बस थोड़ा सा पट्टी साइड साइड से छटवा देने के लिए। तो दोनों पापेटा गए हैं बाल कटवाने, और देखते हैं रूडी आता है तो देखते हैं बाल ज़्यादा छोटा तो नहीं किया। मैंने पहले ही बोल के भेजा था ज़्यादा छोटा मत करना, वरना लड़ाई हो जाएगा मेरा। तो रूडी और रू अभी आएंगे थोड़ी देर में। और ओहो क्या हो गया, हो गया। और आप देख सकते हैं शोना को भी मैंने टोपी वगैरह कुछ भी नहीं पहनाया है, जब मैं बोल रही हूँ तो देख तो टोपी नहीं पहनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उतना ज़्यादा ठंड अब है नहीं, और बच्चे हैं तो घर में ही रहती है। तो अभी टोपी अगर मैं पहना के इसको रखती हूँ ना, तो बहुत सारा पसीना निकलता है, स्वेटिंग होता है, तो इसीलिए मैं टोपी इसको नहीं पहना रही कुछ दिनों से। सॉक्स भी नहीं मैंने पहनाए थे, तो रू निकाल के सॉक्स डाल दी, बोले कि नहीं पैर में पहनाओ, वैसे उतना अभी ठंडा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो सॉक्स मैंने डाल दिया। वेल खाना वगैरह अभी बना नहीं है, खाना वगैरह अब बनेगा, तो देखते हैं क्या बनाना है खाना वाना में। और A few moments later दोइला है, तुमको मना की थी कि छोटा ज्यादा नहीं करवाना, लो खा लिया था। हां मना की थी ना, नहीं करती तो तेरा आधा आधा दो तीन दिन में ठीक हो जाए। दो तीन दिन में नहीं पड़ता है बाल, शेयरिंग इज केयरिंग। इतना छोटा क्यों करवाया हूं अंकल, नहीं हमको एकदम नहीं पसंद है इसका, इसका छोटा इतना क्यों करो, तुमको बस पट्टी छटवाने के लिए बोले थे ना। हाँ इधर आओगे, तुमको हम क्या बोले थे, हम क्या बोले थे, मेरे सवाल का जवाब, हम क्या बोले थे, बस पट्टी छटवा देना, पट्टी छटवाए हो, पूरा बाल से कटवा दिए हो तुम, दो चार दिन में बाल सेट हो जाएगा। तुम क्यों कटवाए हो, तुमको हम बोल मना किए थे ना। ठीक है, क्या ठीक है, और अब छोड़ो ना। मेरा बच्चा, हमको वही बाल पसंद है, ठीक है, तो हम नहीं कटवाएंगे, अब ऐसे कर दो, फिर उगेगा, अपना ही खेत का तो खेती है, ठीक तो काटा है बाल, अभी क्या दिक्कत है इसमें, थोड़ा छोटा हुआ है लेकिन बारीक नहीं ना करवाए हैं एकदम मशीन से, हल्का हल्का तो कटवाए हैं। उतना छोटा नहीं हुआ है बाल, जितना छोटा तुम घबरा रही हो, तुमको हम क्या मना, तुमको मना कि तुमको कितनी बड़ी, पहली बार नहीं, भगवान कसम खा के कह रहे हैं, हम उसको बोले बस पट्टी मिला, तुम कहाँ थे, वहीं पे थे, बाल हम भी अपना कटवा रहे थे, देखे नहीं हो कि कितना काट रहे हैं, थोड़ा लास्ट में हमको लगा थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन छोटा नहीं हुआ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दो चार दिन रुको ना बेबी, आ जाएगा बाल, तुमको पता है उसका छोटा बाल, उसका तबीयत खराब हो जाता है, छोटा बाल ज्यादा होता है तो पता नहीं लगता, उसका बाल वैसे ही, उसका लेंथ बड़ा ही उसका रहता है, ठीक है ले, हम बोले ना बस जो पट्टी मिला दीजिए, जो छटा पटा बाल जो आ रहा होगा साइड वाइड से उसको काट दीजिए, तो वही किया है छोटा सा हल्का सा, ज्यादा छोटा नहीं किया है, कहो कि हम मशीन नहीं लगवाए ना, उसको नॉर्मली बनवा के दिए हम बाल, ठीक है अभी ऐसा मतलब, चलो हम कटवा देंगे नेक्स्ट टाइम पक्का, तुम हटो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस, अच्छा मना तुम मत ले जाओ, छोड़ दो, अच्छा लेगा पक्का, नेक्स्ट टाइम से पक्का, हम बोले थे कि तुम या तो पट्टी लगाओगे नहीं तो मत ले जाओ, हम ले जाओ, मछली मर गई है, कौन सा, दोनों, मछली का हीटर टूटा हुआ था, मछली का ऑक्सीजन नहीं चल रहा था, हीटर भी मर गई है, और एक गोल्डन फिश भी मर गई है, हीटर टूटा हुआ था, तो हीटर कैसे टूट सकता है, उसी में टूटा हुआ हीटर था, ऑक्सीजन नहीं चल रहा था, हम दोनों मछली मर गए, एक बची है वो भी मर गई, हम कब से बोले कि गंडक में ले जाके छोड़ दो पानी में,
ना साफ किए नहीं, अब छोड़ दिए, मर गई। अब कितने साल की वो पाली हुई थी, अभी बाल तक बाकी आया है और पूरा गले में बाल से कान के अंदर बाल वगैरह। रुको ना, कैसे कर रहे हो? तो ऐसे कपड़े से झाड़ के मैं कहाँ गया? या सही से रहूँ ना रोटी, एकदम मेरा खाना जल गया सब्जी। तो इसको क्या करती हूँ मैं, झाड़ मैंने झाड़ दिया कॉटन के कपड़े से बाल वगैरह, और अभी इसको इनर लगा के टी शर्ट पहना देते हैं। मैं डैडी की टी शर्ट नहीं पहनूंगा। अरे कोई बात नहीं है, नहीं मैं यही पहनूंगा, छोड़। जैसे जब बच्चा बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो बाप का कपड़ा पहनता है, नहीं समझते हो? इसके ऊपर से पहनना है ना। तो गाइस ये रूह का टी शर्ट है, छोटा लग रहा है ये। रूडी अब बड़ा हो गया है, छोटा लग रहा है। इधर छोटा लग रहा है। डैडी तुमसे छोटे हैं क्या? बड़े हो गए हो। या मैं जाती हूँ किचन में, बहुत ज्यादा मेरा सब्जी। तो गाइस यहाँ आ गए हैं पांडे भैया 10 साल के बाद। बहुत साल बोलिए तो पांडे जी आए हैं हमारे ब्लॉग में आज पूरे 10 साल के बाद। गायब हो गए थे दम। इनका चेहरा देखिए कितना उतर गया है बेचारे का। हाँ बहुत दुबला गए हैं। हम चाहते हैं अब चाची को, हम पैरवी कर रहे हैं यहाँ से बैठ गए चाचा चाची को, कि इनका अब ब्याह कराया जाए ताकि कंट्रोल कंट्रोल। हाँ भाई खांसी लेखा शरीर जो बैठे जो हड़िया गए, हड्डी हड्डी। हाँ सही में दुबला गए हैं। काहे खाना पीना नहीं खाए क्या? अच्छा अच्छा हो हो। तो आप घर जाके रेस्ट कीजिए ना, फिर घर जाइए। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सो गाइस खाना मैंने सबको खिला दिया है और वॉश कर लेती हूँ। बस खाना मैंने नहीं खाया, बाकी रू को भी खिला दी और ने भी आए थे तो आपने देखा होगा, तो रू पांडे भैया के साथ खाना खा लिए और बच्चों को भी इधर खाना खिला दिया। और तनाई के दांत में बहुत तेज का दर्द होने लगा अचानक से, तो देखते हैं इसको लॉन्ग देते हैं, लॉन्ग रखती है ठीक होगा तो ठीक है, वरना डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ेगा। और सोना को भी खिला दिया है, ये भी रेडी हो गई है। वैसे हीटर जल रहा है क्योंकि ठंड अभी ज़्यादा कुछ लग रहा है। और अरे वाह खाना लेके आए, मैं लाया हूँ उपासना के लिए खाना, क्योंकि दोस्तों अभी खाना नहीं खाई है उपासना, सुबह भी खाई थी थोड़ा सा खाई थी, उसके बाद शाम को नहीं खाई है, खा लो। ओके तो खाना आ गया गाइस मेरा, मैं पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मैंने हाथ बहुत गंदा है मेरा। तो गाइस बहुत तेज का मुझे भी लगा है भूख और मैं खाती हूँ, मैं नीचे ही बैठे खाऊंगी। ना वो खाना ना कैसा बना है? बहुत अच्छा टेस्टी। चलिए गाइस खाना वाना भी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को भी बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ और सोना को भी सुलाती हूँ। और आइए आप लोग भी खाने। तो आज का ये वाला ब्लॉग गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो। और सुबह से मेरे सर में दर्द, अभी भी सर हल्का हल्का दर्द हो ही रहा है, इसी में सब कुछ चलता रहा पूरा दिन। और चलिए फिर नए ब्लॉग के साथ आपको फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। चल तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।